कोटा जिले की सुल्तानपुर पंचायत समिति क्षेत्र की मदनपुरा ग्राम पंचायत के पिपल्ला समेल गांव में कोटा जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान योजना अंतर्गत एक दिवसीय श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें पंचायत समिति सुल्तानपुर क्षेत्र के सभी अधिकारियों कर्मचारियों के साथ ही ब्लॉक क्षेत्र के विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर जिला विभाग स्तर के अधिकारी भी मौजूद थे। SDM तारामती वैष्णव की अध्यक्षता में आयोजित हुए श्रमदान कार्यक्रम में बिगोट तहसीलदार नवनंद सिंह, सुल्तानपुर पंचायत समिति विकास अधिकारी जगदीश प्रसाद मीणा के नेतृत्व में सभी ग्रामीणों ने और अधिकारियों ने एक लय होकर कतार से कतार बनाते हुए उत्साह के साथ श्रमदान किया। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत कलाई खुदाई कार्यक्रम में सभी ने किसी ने गेती से मिट्टी खुदाई की तो किसी ने फावड़े से मिट्टी को तगारियों में भरा। इसके बाद श्रेणीबद्ध रूप से एक के बाद एक लाइन बनाते हुए सभी ने जन सहयोग के साथ ही मिट्टी को उठाकर तलाव के पाल पर डाला। स्वावलंबन अभियान योजना अंतर्गत आयोजित हुए इस श्रमदान कार्यक्रम में सभी का उत्साह देखने लायक बन रहा था। किसी ने गेती चलाई तो किसी ने फावड़े चलाए तो किसी ने हाथों में तगारियां उठाकर परिश्रम किया। SDM तारामती वैष्णव के साथ ही विकास अधिकारी जगदीश प्रसाद मीणा, तहसीलदार समेत अन्य अधिकारियों के साथ श्रमदान कर सभी खुशी नजर आए तो लोगों में भी अधिकारियों को कार्य करते देख श्रमदान के प्रति ललक जगी और उन्होंने अधिकारियों के साथ मौके पर हाथ से हाथ बटाया। इस मौके पर ग्राम सेवक, नरेगा कार्मिक, राजस्व विभाग, पटवारी, तहसीलदार के साथ ही अन्य कार्मिकों ने भी उत्साह के साथ श्रमदान में योगदान दिया। इस मौके पर विकास अधिकारी जगदीश प्रसाद मीणा ने कहा कि श्रमदान को व्यक्ति को दैनिक जीवन में अपनाना चाहिए क्योंकि श्रमदान से अच्छे कार्य किए जा सकते हैं। इस मौके पर SDM तारामती वैष्णव द्वारा ग्राम पंचायत मदनपुरा द्वारा मौके पर की गई श्रमदान की व्यवस्था और तैयारियों के लिए आभार भी जताया गया। इस मौके पर मदनपुरा सरपंच द्वारिका लाल, दिगो सरपंच धनराज मेघवाल समेत कई जनप्रतिनिधि भी इस श्रमदान कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे। पंचायत प्रसार अधिकारी रामचरण शर्मा ने बताया कि पिपल्ला समेल गांव में आयोजित श्रमदान कार्यक्रम पूरे 4 घंटे तक चला। इस मौके पर अधिकारी कर्मचारियों ने एक साथ श्रमदान करते हुए ग्रामीणों को श्रमदान के प्रति जागरूक भी किया और जल संरक्षण का संदेश दिया।